स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे और बाकी लेक्चर वगैरह भी आप लोग अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप किया, तकरीबन हमारी वाइंड अप हो चुकी है। हमारे पास दो कोर्स रहते हैं हमारे पास करने वाले, और बल्कि दो कोर्स नहीं, एक ऑक्टूबर रहती है हमारे पास और एक बोर्ड रहता है हमारे पास जो कि हमें कम्प्लीट करना है अभी हमारे लिए लास्ट लेक्चर रह गई है। तो बच्चे आप लोगों को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लगवा रही थी हमारे पास, आप भी एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता था और एक बार फोर क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट रहता था रोस्टमैन वाला, तो वो आज मैं आपको कम्प्लीट करवा देता हूँ और आपको मजा आ जाएगा किस तरह से आप लोग रोस्टमैन यूज करते हुए आप अपने टेबल के अंदर आप रोस्टमैन की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर अपना। तो पहले गूगल पर कर लेकर आपकी बुक का जल्दी से पेज नंबर 115 ऊपर कर लें, इस पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा तो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, गिव शॉर्ट आंसर। ये वाला हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्रिएट अ टेबल using cos span and row span। हमारे पास ये क्वेश्चन थी कि आपने एक टेबल बनाना है यूजिंग row span एंड cos span एट्रीब्यूट्स, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यूज करके आपने एक टेबल को जनरेट कर, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। आपको कॉल स्पैन को यूज करते हुए आपको बता दिया था कि किस तरह से कॉल स्पैन यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, टेबल का टाइप यूज किया था, फिर उसके बाद हमने टेबल के अंदर एक रो बनाई थी टी आर, उस रो के अंदर हमने दो कॉलम बनाए थे टी एच का मतलब हेडिंग वाला कॉलम और टी डी का मतलब सिंपल कॉलम। इसके अंदर हमने लिखा था नेम और टीएच बंद कर दिया, फिर सेकंड कॉलम टीएच और इसका एट्रीब्यूट भी पास कर दिया कॉल स्पैन इक्वल टू 2। कॉल स्पैन की वैल्यू क्या देखिए 2 दे दी और यहां पर लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा उसके बाद मैंने इसको बंद भी कर दिया टी एच, चलो और मैंने रो को बंद कर दिया। अब एक रो है मेरी और दो कॉलम है उसके अंदर, ये एक रो है उसको ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये कंटेंट है और ये कंटेंट है हमारे पास, मतलब कैसा है। और फिर यहां पर लेकर के टेबल को बंद कर दिया, सिंपल ही क्या करेगा इस तरह के आउटपुट जनरेट कर देगा, नेम के नाम एक रो बनेगी, ये एक रो आ गई, एक रो के अंदर क्या है और बस नेम लिखाएगा, एक कॉलम हमारे पास नेम का है, सेकंड कॉलम हमारे पास किसका है टेलीफोन का है, हमने कॉल स्पैन यूज किया है टेलीफोन का, मतलब एक कॉलम के अंदर बच्चे मुझे दो की जगह चाहिए, विच मीन्स कि मेरा ये टेलीफोन का कॉलम है इसके अंदर दो स्पेसेस बन रही है इस तरह से। आप लोगों को जल्दी बुक ओपन अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करना है 111।
ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, हमारे पास एक जनरेट कर दिया उसने एक कॉलम का फाइव। उसके साथ मैं इसी को और बढ़ाता हूं, आगे मैं एक और रो बनाता हूं डी आर, और उसमें एक और कॉलम पास करता हूं डी एच, डी एच डी डी, मतलब सिंपल कॉलम है, ये तो हेडिंग वाला कॉलम है, थोड़ा सा डार्क होते हैं डी डी, और यहां पर पास कर देता हूं अली, और ये बंद कर दिया डी डी को। उसके बाद मैंने एक और रो बनाई, उसके अंदर मैंने बंद कर दिया आपके जो नेक्स्ट यहाँ पे, अब ये जो रो है ये इस रो के नीचे आ रही है, यहाँ पे आपके पास जो नेम है वो शो हो जाएगा। दो कॉलम से ना हमारे पास, अब जो हम लोग नेक्स्ट कॉलम बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, कोई भी फोन नंबर 5892106, ठीक है, और हमने डीडी को बंद कर दिया। अब आपको पता है कि ये किसके नीचे आएगा, दूसरे वाले कॉलम के नीचे, दूसरे वाले कॉलम में कितने का स्पैन डाला होगा, दो का, मतलब क्या है इसमें दो फोन नंबर की जगह, मतलब दो कॉलम है, एक कॉलम के अंदर हमारे पास पास स्पैन कितने का टू है, मतलब एक रो के अंदर आपके पास जो कॉलम है इनमें दो आएंगे, मतलब ये 5892106 यहाँ पे शो हो जाएगा। अगला डीडी हम बनाएंगे वहां पे कुछ भी लिखते हैं 581266, तो यहाँ 581266 यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा आप अपनी रो बंद कर दोगे और अपने टेबल को बंद कर दोगे, इस तरह आप लोगों एक कॉलम के अंदर दो का स्पेंड आके आप लोगों ने अपने कॉल स्पेंड यूज करते हुए अपनी अपनी फंक्शनलिटी को एनहांस कर दिया, और यूजिंग डिफरेंट कॉल स्पेंड एट्रीब्यूट, इस तरह से आप लोग अपनी फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर सकते हो और उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है उसको चेंज भी कर सकते हो। अच्छा तो बच्चे, एक तो आपका ये हो गया कि आपने किस तरह से रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करते हुए आपने अपना एक टेबल जनरेट करना है, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं रो स्पैन के कॉल स्पैन को किस तरह से पास हो सकती है। सबसे पहले तो हमारा ये होगा कॉल स्पैन का, अब जरा बुक करते हैं रो स्पैन को, फिर किस तरह हम रो स्पैन को यूज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथडोलॉजी, यूजिंग डिफरेंट मेथड, तो देखते हैं रो स्पैन वाले को। अच्छा अब ऐसा करते हैं, चलो इसी भी कोड में चेंज करता हूँ थोड़ा सा, पीआर के अंदर क्या किया, पहली रो मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, रो का नाम नहीं होता कॉलम का नाम होता है, रो स्टार्ट की उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया टी डी, ये पहले टी एच बना दिया फाइव सेंस टी एच, यहां पे नेम ठीक, और टी एच को बंद कर दिया, एक रो के अंदर मेरा एक कॉलम यहाँ पे जनरेट हो चुके, ये अपना पेज नंबर वन का ओपन कर रहा है, मान लो क्लियर हो जाएगा कि रो स्पैन की फंक्शनलिटी क्या है, वन ट्वेल्व क्या है, वन ट्वेल्व के ऊपर बचे हमारे पास टू मेक अ सेल्स मैन मोर देन वन रो रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज, जब आपने एक रो के अंदर आपने एक सीधा एट्रीब्यूट को यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, रो स्पैन को यूज करोगे। टीएस मैंने क्या किया, नेम लिख दिया, उसके बाद मैं पीडी में एक आपके एक और कॉलम बनाता हूँ, इस नेम के आगे मैं शो करना चाह रहा हूँ, डीडी का कॉलम बनाता हूँ, ये भी एक कॉलम है नेम का, समझा क्या हुआ कि यहाँ पे नेम है इस तरह से, और ये हेडिंग वाला मतलब टीएस का मतलब ऐसा कॉलम जो थोड़ा डार्क होगा क्योंकि हेडिंग वाला कॉलम है, नहीं नेम लिखा गया, अगला कॉलम पीडी से बना रहा हूँ और इसमें लिख देता हूँ अली अहमद, ये डीडी भी बंद कर दिया, मतलब क्या हुआ एक और कॉलम बनाया मैंने उसी रो के अंदर, ये एक रो है इस रो के अंदर एक और कॉलम बनाया, मतलब ये वाला कॉलम बनाया उसमें मैंने क्या लिखा अली अहमद, अली अहमद ठीक, जिस तरह मैंने क्या किया अपनी एक रो के अंदर मैंने क्या किया दो कॉलम लिख दिए, ये एक रो थी मेरी और ये दो कॉलम है, ये एक रो नेम और अली अहमद कॉलम, नेम का कॉलम अली अहमद का कॉलम, ठीक हो गया, नेम क्या गया अली अहमद आ गया। नेक्स्ट हम लोग एक और रो बनाते हैं यार, ये भाई यहां हम क्या करते हैं पीडी एक कॉलम बनाते हैं और इसमें लिखते हैं टेलीफोन, बल्कि टीएच के नाम पर बनाते हैं टीएच टेलीफोन
टेलीफोन के नाम तो मैंने क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया। टेलीफोन के नाम पे कॉलम बना दिया मतलब इस तरह से। और अब मैं जो इसके बाद जो नीचे एक दो और कॉलम बनाने जा रहा हूं डीडी के, लाइक आपने देख लिया किस तरह से आप अपने डीडी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, इस टेलीफोन वाले के अंदर जा सकेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग अपनी रोज मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन अ क्रिएट एन एचटीएमएल पेज। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने
एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप लोग अपना फर्स्ट एचटीएमएल वेब पेज बना सकते हो और उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले बच्चे आपने एक क्वेश्चन प्रोफाइल पे देखा, मुझे सिंपल आपसे पूछा है उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करो कि जिसके लिए आप अपना पहला वेब पेज बना सकते हो। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पर प्लेन पर बच्चे जो बात के ऊपर है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्ले क्रिएटिंग के बच्चे इसका आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल। इन एमएस स्टूडियो यू कैन यूज नोटपैड एंड इन मैक यू कैन यूज टेक्स्ट एडिटर। ये आपको मैंने पहले बताया होगा कि क्वेश्चन आपको मैंने वैसे लॉन्ग मार्क करवाया हुआ है, मैंने आपको बुक के में से चैप्टर में से क्वेश्चन मार्क करवा दिया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, स्टेप वन में लिखोगे ओपन करोगे टेक्स्ट एडिटर, स्टेप टू में लिखोगे कुछ ना कुछ आप लोग कोड लिखोगे एचटीएमएल का अपने नोटपैड के अंदर, देन अपने उस फाइल को क्या करोगे एचटीएमएल या फिर एचटीएमएल की एक्सटेंशन से क्या करोगे सेव करोगे एंड देन उसको क्या करोगे डबल क्लिक करके ओपन करोगे और अपने ब्राउजर में उसे क्या करोगे व्यू करोगे। इस तरह से क्या होगा, आप लोग ने चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी जो आप लोग वेब पेज आप उसे डिस्प्ले करवा सकते हो। लाइक इसके जो स्टेप्स हैं सबसे पहले क्या होगा कि स्टेप वन में क्या करोगे ओपन नोट पैड और टेक्स्ट एडिट। टेक्स्ट एडिट आपको पता है किसमें यूज होता है, मैथ में यूज होता है और नोट पैड आपकी विंडोज में यूज करते हैं, ठीक है। इन्हें ओपन करोगे फिर स्टेप टू में क्या करोगे राइट सम HTML कोड इनटू टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपना क्या करोगे इन दोनों में से किसी एक के अंदर क्या करोगे कोड लिखोगे और फिर प्रेस कंट्रोल प्लस एस सेव करोगे एंड फिल द नेम ऑफ your file using .htm or .html extension। इस extension को use करते हुए आप क्या करोगे अपने web page को save करोगे। Then step four में क्या करोगे आपको double click on your file, double click on your सेव्ड फाइल, अपनी सेव्ड फाइल पर क्या करोगे क्लिक करोगे एंड ओपन इट इन योर ब्राउजर, अपने ब्राउजर को ओपन कर दोगे आप अपना बेसिक जो शो हो जाएगा। इस तरह से ये आपके स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं जब आप लोग अपना वेब पेज बनाओगे, ठीक है बच्चे क्लियर। अगर क्वेश्चन होता है पूछ सकते हो आप होंगे जो दो क्वेश्चन रह गए लॉन्ग हो इंशाल्लाह हम सच्चे में करेंगे आउटपुट के अलावा आपका जो एल्गोरिथम वाला है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में पूछ सकते हो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में।